नमस्कार दोस्तों, नेपाल के साथ जो नहीं होना था वो हो गया है। चाइना ने एक नया दाव खेल दिया है नेपाल के साथ। चाइना और नेपाल के बीच में अब टेंशंस बढ़ सकती हैं। नेपाल चाइना टाइज हैव बिकम अ वॉर ऑफ वर्ड्स रिसेंटली। द बिग क्वेश्चन इज दिस, व्हाई इज चाइना यूनिलैटरली फेसिंग वन प्रोजेक्ट आफ्टर अनदर इन नेपाल अंडर द BRI? और वो दिख भी रहा है क्योंकि अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है नेपाल के हितों के लिए। Beijing's claims on the eve of the airport's inauguration caused confusion in Kathmandu's diplomatic circles. However, China has been facing one Nepalese project after another under its Belt and Road initiative. दोस्तों, नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट जो हाल फिलहाल में न्यूज में भी था, इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उतर रही है। और इसी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चाइना ने एक नया दाव खेल दिया है, और वो ये है कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में डाल दिया है और उसी का एक हिस्सा माना है। तो आप लोग भी कहो कि ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, BRI का हिस्सा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि इसको ऑलरेडी चाइना ने डेवलप किया है। दोस्तों, बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव यानी कि BRI चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि चाइना को दुनिया भर की कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से जोड़ता है। और अगर इसमें पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ भी देते हैं तो आखिर फर्क क्या पड़ता है? दोस्तों, एक्चुअल बात यह है कि जब नेपाल ने इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू भी किया था तब BRI का कोई नामो निशान भी नहीं था। तो अब चाइना इसको जबरन BRI के अंडर में क्यों डाल रहा है, एक बड़ा इशू हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में जब इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था तब भी चाइना ने ये कहा कि ये BRI का हिस्सा है। और उसके बाद जब फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट भी उतरी थी तब भी चाइना के प्रवक्ता ने बोला कि ये BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और उसके बाद कहीं ना कहीं नेपाली पॉलिटिशियन साथ ही साथ ऑफिसर्स हैं उनके बीच में इस चीज को लेकर काफी बहस भी हुई कि चाइना इसको BRI का हिस्सा क्यों बोल रहा है। China claimed the Pokhara International Airport as its flagship project in Nepal under the Belt and Road initiative. दोस्तों, इस एयरपोर्ट की लागत 1765 करोड़ रुपीस है जो कि चाइना से नेपाल को मिला है कर्ज के फॉर्म में। और चाइना की इस बात ने कहीं ना कहीं सारे नेपालियों को थोड़ा डिस्टर्ब तो कर दिया है क्योंकि असल में ये प्रोजेक्ट BRI के अंडर में नहीं है और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की मिलीभगत हो सकती है जिसके कारण इसको करप्शन के जरिए BRI का हिस्सा बनाया गया है। While Beijing says several projects are under implementation and are already going on, Kathmandu has denied any such claim, saying not even a single project is underway. The Nepalese government rebutting China's claims is only causing more confusion and it's not serving the nation's interests either. ये देश के नेता पाए तो करप्शन के नाम पे देश को ही बेच खाएं। तो नेपाल ने चाइना से BRI पर 2017 में एग्रीमेंट किया लेकिन ये एयरपोर्ट 2012 से इस पर मोहर लग चुकी है और वहां से बनना शुरू हुआ है। तो कैसे ये BRI का हिस्सा हो गया और आखिर कारण क्या है कि चाइना ने जबरन इसको BRI का हिस्सा बना दिया है? दोस्तों, आप लोग शायद जान के शौक हो जाओ कि इससे आखिर होगा क्या और इन नेताओं ने कैसे करप्शन और अपने भ्रष्टाचार के जरिए देश को बेचने का काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर इसके BRI में जाने की वजह से इस एयरपोर्ट से जितनी भी कमाई होगी वो नेपाल को नहीं मिलेगी, वो सारी कमाई चाइना को जाएगी। इसके लिए चाइना का एक्सिम बैंक के एक अकाउंट में इसकी सारी ही कमाई जाएगी यानी जितना प्रॉफिट चाइना का। और अगर ये अकाउंट चाइनीज बैंक में तो अनफॉर्चुनेटली इस पैसे को चाइना ही कंट्रोल करेगा यानी कि नेपाल की धरती पर बना हुआ एक एयरपोर्ट चाइना चला रहा है, प्रॉफिट भी उसका, एयरपोर्ट भी उसका, फुल कंट्रोल चाइना का क्योंकि नेपाल को करीबन 1765 करोड़ का लोन इस पर चुकाना है। और ये जो 1765 करोड़ का लोन है इसको नेपाल को आने वाले 20 सालों में चुकाना था जिसमें से 7 साल पूरे हो चुके हैं, बचे हैं 13 साल और उसके बाद थोड़ा सा ग्रेस पीरियड भी। और अगर इन 13 सालों में इसका कर्ज नहीं चुकाया गया तो ये एयरपोर्ट चाइना फुल्ली कंट्रोल करेगा, ये लीज पर चाइना का ही हो जाएगा और इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सो लोन्स की इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस पर कैसे ये नेता देश को बेचने का काम करते हैं? इनकी पॉकेट में थोड़ा करप्शन मनी जाता है और ये कुछ भी साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं चाहे देश का जितना भी नुकसान हो। आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट के बहुत ज्यादा आसार हैं कि ये चाइना के कंट्रोल में आएगा आने वाले सालों में और इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजंस भी क्योंकि करीबन 6 महीने हो चुके हैं और इस पर सिर्फ एक इंटरनेशनल फ्लाइट उतरी है जो कि एक बहुत कम नंबर है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का अगर कर्ज उतारना है टाइम पर तो इस पे हर दिन 100 डोमेस्टिक फ्लाइट और करीबन 70 से 75 हर दिन इंटरनेशनल फ्लाइट उतरनी चाहिए लेकिन यहाँ पर 6-7 महीनों में एक इंटरनेशनल फ्लाइट आई, वो भी चाइना की और कहीं की भी नहीं। और यही कारण था कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री
भारत की यात्रा पर आते हैं तो वो कहते हैं इंडिया से कि पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को उतारिए और हमारी मदद कीजिए इस एयरपोर्ट को चलता रहने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम नंबर है, जहां एक दिन में 75 फ्लाइट चाहिए वहां 6 महीनों में एक फ्लाइट उतर रही है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि ये कर्ज और ज़्यादा बड़ा होने वाला है और उसके बाद ये प्रोजेक्ट चाइना के हाथों में ही जाने वाला है अगर इस पर कुछ सीरियस एक्शन नहीं लिए जाते। तो चलिए जानते हैं इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री को। दोस्तों ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट साथ ही साथ जो चाइनीज और प्रोजेक्ट होते हैं इनमें बहुत स्मार्ट मूव देखने को मिलता है, जो कि हम इस प्रोजेक्ट के जरिए भी समझेंगे कि कैसे चाइना ने बहुत स्मार्ट इस प्रोजेक्ट को अपना बनाया है। दोस्तों नेपाल के पोखरा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने इसकी डिमांड 1971 से ही हो रही थी, क्योंकि ये एक बढ़िया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और काफी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते थे। तो यहाँ के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर एयरपोर्ट जरूर बने। ये मांग 1971 में उठ रही थी तो इस पर काम भी शुरू हुआ। 1998 तक सर्वे कराकर यहाँ पर प्लान भी रख दिया गया था कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बनेगा और कैसे बनेगा। लेकिन उसके बाद नेपाल में माओवाद आ गया, जो कि काफी ज्यादा विरोध करता था ऐसे कंस्ट्रक्शन से और बहुत सारी चीजों से, तो ये कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन फिर 2009 में मॉइस गवर्नमेंट आई और इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से शुरू करने की बात करी गई और 2011-12 में इसके काम शुरू होने की बात कहने लगी। तो यहाँ पर खुद नेपाल गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया कि इस पर कितनी लागत लगेगी, तो पता चला कि $166 मिलियन की लागत इसमें लगने वाली है। लेकिन अब ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, जिसके लिए नेपाल इन्वेस्टर ढूंढ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई इन्वेस्टर मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर एंट्री होती है चाइना की। चाइना ने इसको एक अच्छा मौका देखा और चाइना ने अपनी अप्रोच यहाँ पर रख दी, जिसमें चाइनीज फायदा भी होगा। चाइना ने कहा हम लोन तो देंगे, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो हमारी कंपनी ही करेगी। चाइना यहाँ पर एक बहुत स्मार्ट मूव बोला। चाइना ने यहाँ पर कॉम्पिटिशन को सीधा कम कर दिया। अगर यहाँ पर बिडिंग होती और दुनिया भर की कंपनीज यहाँ पर बिड करती तो शायद इस प्रोजेक्ट की लागत कम हो जाती। लेकिन चाइना ने यहाँ सिर्फ अपनी कंपनी की ही बात की। अब नेपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, नेपाल ने इस चीज के लिए हाँ कर दी। लेकिन यहाँ पर जब बिडिंग की बात हुई तो यहाँ पर सिर्फ चाइनीज कंपनी थी और इन्होंने बिड किया। इस प्रोजेक्ट की लागत बहुत हाई, यहाँ पर 3 कंपनी थी जो सबसे लो बिड कर रही थी और वो भी बहुत ज्यादा था, जो कि इस प्रोजेक्ट की लागत से दुगने से भी ज्यादा था। जो सबसे कम पैसे में चाइना की कंपनी इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली थी वो था $305 मिलियन में, यानी कि $166 मिलियन का प्रोजेक्ट अब $305 मिलियन का हो गया। और यहाँ पर स्मार्ट मूव चाइना का ही था। अब चाइना की ही कंपनी थी तो यहाँ पर बिडिंग प्रोसेस भी चाइना का ही होगा और उस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी चाइना ने दुगना पहले से ही कर दिया। फिर दूसरी चीज, चाइना जो अपना पैसा दे रहा था लोन के फॉर्म में नेपाल को, वो उसकी कंपनी के जरिए वो वापस चाइना में भी ला रहा था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्मार्ट मूव है चाइना का, जिससे चाइना इन प्रोजेक्ट्स को अपना बना लेता है, साथ ही साथ एक लोन छोड़ देता है दूसरे देशों पर, और सब कुछ चाइना पहले ही कहीं ना कहीं रिकवर कर चुका होता है। और वो चीज़ यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में भी देखने को मिली। लेकिन इस पर इतनी ज़्यादा लागत होने की वजह से नेपाली जनता भी कुछ शक खा गई कि पॉलिटिशियन यहाँ पर करप्शन जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लागत $166 मिलियन होती है और उस प्रोजेक्ट की लागत हो चुकी है $305 मिलियन की। तो ये कहीं से नेपाल की जनता को सही नहीं लग रहा था, लग रहा था कि यहाँ पर करप्शन जरूर हो रहा है और यहाँ पर गड़बड़ तो थी। तो इसके लिए नेपाल की जनता भी प्रोटेस्ट करने पर उतर आई, जिसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसके बाद इस प्रोजेक्ट की लागत को और रिफाइन करने की कोशिश की कि इसको कम किया जाए। और इस कम्युनिटी ने फैसला किया कि $280 मिलियन तक की हम इस प्रोजेक्ट को बनवा देंगे, लेकिन उसमें वैट और टैक्स वैक्स मिलाकर ये फिर से $300 मिलियन का हो जा रहा था। फिर जनता प्रोटेस्ट करने लगी कि इतना महंगा कैसे बन सकता है, लेकिन ये भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थी और चाइना समझ रहा था कि यहाँ पर करप्शन का खेल है तो यहाँ पर हम बढ़िया पैतरा अपना सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हो कि $305 मिलियन का वो प्रोजेक्ट 215 पे आ गया और ये जो इतना बीच का जो गैप था $60 मिलियन या फिर $70 मिलियन का, ये करीबन 160 करोड़ रुपए, ये सारे ही पैसे साइडलाइन हो जाते और नेता लोग इसको डकार जाते। और यहाँ पर भी $215 मिलियन में भी बहुत सारा ऐसा पैसा था जो कि साइडलाइन हो जाएगा और वो नेता डकार जाएंगे इस प्रोजेक्ट के नाम पर। तो इस चीज़ पर 2014 में सारी हामी भर दी गई थी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने यहाँ पर उस समय नींव रखी थी इस पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। 2016 में नींव रखने के बाद भी इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। 2017 में चाइना के साथ नेपाल ने BRI पर एग्रीमेंट किया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर 2018 में केपी शर्मा ओली जाते हैं प्राइवेट चाइना की विजिट पर और जब वो उसके बाद आते हैं वहां से, तो यहां पर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाता है।
यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स का ये मानना है कि जब केपी शर्मा ओली 2018 में जाते हैं और उसके बाद वो चाइना के साथ कुछ डीलिंग करते हैं जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होता है, और ये उसी समय की बात है कि जब काम शुरू होता है और चाइना को कहीं ना कहीं ये BRI के अंडर में इस प्रोजेक्ट को देने में हामी भर के आते हैं, और तभी से चाइना इसको बनाने के बाद इसको BRI का हिस्सा बोलने लगता है, क्योंकि सडनली ये चेंजेस कहीं ना कहीं सबको हैरान कर देते हैं कि कैसे चाइना ने इस प्रोजेक्ट को BRI का हिस्सा बता दिया है। तो ये थी नेपाल के इस पोखरा एयरपोर्ट की पूरी जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद NI News।